तो पिंडी पहुंचे कि हम लोग अभी, और गर्मी यहाँ पे बहुत हो रही है। मैंने गाड़ी कहीं शेड कहीं से पार्किंग की है उसकी, तो उसमें सबसे पहले अपने ये करना है कि इस काम के लिए आए हैं पहले वो करेंगे, और फैमिली के साथ एक ज़रूरी काम है तो वो करने के बाद इंशाल्लाह आगे पिंडी एक्सप्लोर करेंगे। और आज का प्लान ये है कि हम लोग इंशाल्लाह पिंडी में कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। पिंडी में गर्मी बहुत है आज और रश भी बहुत है, और पिंडी के बाद आज इस्लामाबाद में जाएंगे हम, फिर फैसल मस्जिद उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या प्लान बनता है। फ्री हूँ काम करके, मैं फैमिली के साथ था, ज़रूरी काम तो फ्री हो गया उससे। अभी टाइम इतना हो गया कि बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है, सबसे पहले कुछ खाते हैं फिर आगे पिंडी एक्सप्लोर करते हैं। पिंडी का ब्रांड बन चुका है भाई, मामू बर्गर। आप नहीं आए तो पिंडी नहीं आए थे। बहुत मज़े के होते हैं इनके बर्गर, भी ट्राई करते हैं कि मामू बर्गर जब भी आए यहाँ पे जरूर ट्राई करें, इनके बर्गर बहुत मज़े के होते हैं। पहले भी मैं आ चुका हूँ, अभी तो हर दिन का टाइम है वरना रात को यहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। भाई कौन कौन सा है बर्गर? बस ये तीन ही है, जिंगर वगैरह नहीं है और फ्राइज वगैरह। हाँ जी, वो तो अभी हम लोग बैठ गए, इनका सिटिंग एरिया इतना तो बड़ा नहीं कि यहाँ पे टेक भी बहुत ज़्यादा होता है, बाहर भी काफ़ी लंबा छोटा काम रहता है और रात को शाम को खास तौर बहुत ज़्यादा चलता है। अभी हम लोग अंदर बैठे हुए, एक हमने मंगाया ये चिकन बर्गर और एक मंगाया अंडा चाउमीन, फ्राइज भी मंगाए हैं, बच्चे मतलब फ्राइज खाते हैं तो अभी फ्राइज ट्राई करेंगे, साथ बर्गर ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे। ऐसे बर्गर बहुत मज़े करते हैं, पहले ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी आपको ट्राई करते हैं। सबसे पहले चिकन बर्गर ट्राई करते हैं, इसमें अच्छा लग जाएगा। और क्रिस्पी बर्गर है, यानी कि आपको रिफ्रेशिंग फ्रेश फील आती है। जी तो अभी बर्गर वाले खा के फ्री हुए हैं और अभी आगे चलते हैं, कुछ और एरिया एक्सप्लोर करते हैं। राजा बाजार बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ जाके ट्राई करते हैं, और उसके अलावा आगे देखते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। सदर वगैरह अच्छी जगह है और आपके साथ लेके चलते हैं। जी तो राजा बाजार पहुँच चुके हैं, फुल पिंडी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं। जी तो राजा बाजार तो पहुंच चुके हम, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर आप राजा बाजार एंटर हो सके। आज मिड वीक है और पी कार्स भी नहीं है, लेकिन आप देख लें कि ट्रैफिक ऐसी है, पार्किंग भी नहीं मिलती। और ये यहाँ से गली जाती है अंदर, ये जो जा रही जगह ये गली अंदर जाती है और ये सारा राजा बाजार स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से चीज़ें बड़ी अच्छी सस्ती मिलती हैं, आप लोगों को हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मिल रही है। ये मेन राजा बाजार रोड है ये वाली। जी तो अभी आपको सारी सीनरी दिखाई है मैंने, हालात अभी कुछ ऐसे हैं कि रश बहुत ज़्यादा है और पार्किंग मिली है बहुत दूर, और मैं काफ़ी पैदल चल के गया हूँ,
और वहाँ पे आगे अंदर ऐसे हालात हैं कि पैदल भी आप चलना मुश्किल हो चुका है। और अभी आपको बता रहा हूँ कि एक तो मिड वीक है और दूसरा टाइम भी दिन के, कभी आप वीकेंड पे आए और शाम का टाइम आए तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, पार्किंग रोड बहुत छोटी सी है। बहरहाल अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी हो पिंडी में और रीज़नेबल प्राइस पे करनी हो तो राजा बाज़ार ज़रूर आएँ। चीज़ें बहुत वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। अभी आप यकीन करें कि मैंने एक कैब लेनी थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी कैब लूँ, और उस कैब के साथ तीन चार दुकानें सिर्फ टोटली कैब की थी, तो क्योंकि एक तो गर्मी बहुत रही और रश और पीछे बच्चे भी तंग आ रहे थे तो मैं वो नहीं ले सका। तो इसलिए जब भी आएँ राजा बाज़ार ज़रूर आएँ और यहाँ से आपको आपकी मर्ज़ी की हर चीज़ मिल जाएगी। अभी हमने रुक किया है जी सदर की तरफ, जो हमारे दो काम थे वो राजा बाज़ार में तो नहीं हो सके, तो अभी ट्राई करते हैं सदर जाके चेक करते हैं। राजा बाज़ार सदर तकरीबन 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रश तो है, रोड थोड़ी छोटी छोटी सी है लेकिन इतनी दूर नहीं है, तो अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ट्राई करते हैं अगर हमारा काम होता है तो, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे कोई प्लान बनाते हैं किस तरफ जा रहे हैं। खुला है, ब्रांड अच्छे अच्छे हैं, थोड़े महंगे हैं सारी बातें लेकिन यह कि थोड़ा खुला एरिया है, आपको नज़र आ रहा होगा पीछे रोड भी अच्छी हैं, बड़ी हैं और पार्किंग भी जरिए मिल गई। चलो जी भाई, तो शॉपिंग चल रही है अभी जी, अभी फिलहाल सदन में ही है और रश तो बढ़ता जा रहा है, टाइम अब शाम का हो रहा है। अभी कुछ चीज़ लेनी थी और देखी है अभी लेकिन मिली नहीं है, और कोई शॉपिंग का भी प्रोग्राम था लेकिन अभी जो रेट लगाए मैंने बहुत ज़्यादा आई है, और ऐसे कोई खास जरूरत नहीं थी चीज़, वैसे मैंने कहा चले आए हुए तो कुछ देख लेते हैं लेकिन कुछ खास अभी लिया नहीं है जी। तो बच्चे कहते हैं जी कि इस्लामाबाद की तरफ मोड़ काट ले, अब वहाँ पे पॉइंट्स हैं कुछ, 2-3 बच्चों को बड़े पसंद है, और पिंडी उतना पसंद नहीं आया इनको, असल में गर्मी बहुत है अभी और यहाँ पे कोई ऐसे बच्चों को खास चीज़ भी नहीं है, तो अभी ये कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। अभी चलते हैं इस्लामाबाद, कुछ इस्लामाबाद एक्सप्लोर करते हैं। ये आए अभी तहजीब बेकर्स पे, पिंडी बड़ी फेमस है तहजीब बेकर्स, ये है जी पिंडी में 6 रोड पे, इसकी बहुत सी बातें शॉप्स हैं, अभी हम 6 रोड वाली है ब्रांच उस पर आए हुए हैं। अच्छा तो मैं अभी गया हूँ तो उसने मुझे रोक दिया, कहता है भाई वीडियो नहीं बना सकते अंदर, तो बेकरी के अंदर वीडियो नहीं बना सका। तो बेकरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तकरीबन मेरे ख्याल में ऐसी बेकरी आपको पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी, हर चीज़ है बड़ी अच्छी और फ्रेश है। अभी जो चीज़ें ली हैं उसमें ये जी, एक लिए डोनट और एक लिए पेस्ट्री लिया है, उसको भी ट्राई करते हैं। उसके मीनार नज़र आ रहे होंगे, पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, अभी वहाँ पे जाके ब्रेक मारते हैं और फिर उसके अंदर चलते हैं, मस्जिद में पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं, गेट वगैरह ढूंढते हैं और फिर अंदर जाते हैं। फाइनली फैसल मस्जिद पहुँच गए,
असल में जो रियल में नज़र आती है बहुत ही जो है ना ब्रेथ टेकिंग व्यू है। इसके मीनार बड़े प्यारे लग रहे हैं, पीछे पहाड़ हैं। वीडियो में शायद अच्छी लगे लेकिन रियलिटी में ये बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद ये एरिया है, सिटिंग एरिया है, सारा घास वगैरह लगी हुई है। और अभी अंदर जाते हैं और मज़ीद देखते हैं इसको। जी तो फाइनली अंदर पहुँच गया मस्जिद में, व्यू दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे देखें ज़रा, जी तो फैसल मस्जिद जो है ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी मस्जिद है और साउथ एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 3-3.5 लाख इसकी टोटल अंदर कैपेसिटी है। और इसका डिज़ाइन और इसका जो चीज़ें अंदर आर्किटेक्ट वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि है तो ये मस्जिद ही और लोग ऐसा इसको पिकनिक पॉइंट डील करते हैं, यूज़ करते हैं, काफ़ी फिर मसला होता है। अभी मैंने देखा है लोग जारी बात एसओ पीस होते हैं, मसाजिद के रिलीजियस प्लेस है हमारी, तो वहाँ पे एसओ पीस का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल ऐसे कैजुअल बिहेवियर, कैजुअल मूड में आ जाते हैं और पिक्स वगैरह बना रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पिक्स बनाना मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बना रहे होते हैं और जिस तरह प्लेस को यूज़ करते हैं वो बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि मस्जिद है और मस्जिद का सेहत मुसलमान बहुत ज़्यादा एहतराम ज़रूरी है। ये दरवाज़े अंदर से बंद किए हैं, पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसके अंदर का व्यू आपको, नज़र आ रही होगी आपको। इतना अच्छा व्यू तो नहीं है यार, ये कुछ आइडिया हो रहा है, मसान मेंबर बना हुआ है और इस तरह से कुछ है। Baby, 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 baby